नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा। आप देख रहे हैं कुछ तो है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास एक बेहद अद्भुत धाम है जिसे हम निधि वन के नाम से जानते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग निधि वन गए हों, जो नहीं गए उन्होंने निधि वन के बारे में सुना जरूर होगा। निधि वन को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना गया है। वो इसलिए क्योंकि उस धाम में एक दैवीय चमत्कार का दावा द्वापर युग से चला रहा है। दिन भर तमाम लोग निधि वन में आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही निधि वन को बंद कर दिया जाता है। ये माना जाता है कि शाम ढलते ही निधि वन के हजारों पेड़ गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और उन गोपियों के साथ रासलीला रचाने खुद भगवान कृष्ण वहां आते हैं। निधि वन के अंदर एक रंग महल भी है। दावा होता है कि हर सुबह जब रंग महल को खोला जाता है तो वहां श्री कृष्ण की मौजूदगी के निशान मिलते हैं। इस रहस्य की कई बार पड़ताल की जा चुकी है, हालांकि कोई सटीक जवाब आज तक नहीं मिल पाया, लेकिन आज हम निधि वन में अनोखी पड़ताल करने वाले हैं। ऐसी पड़ताल जो इससे पहले टीवी पर कभी नहीं की गई। जानते हैं हमारी इस पड़ताल का नतीजा क्या निकला, जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वृंदावन के निधि वन से जुड़ी चमत्कार की कहानियां तो बरसों से सुनी जा रही हैं। यहां श्री कृष्ण आते हैं, अपनी 16,000 से अधिक गोपियों के साथ रास रचते हैं, रात भर रंग महल में रहते हैं, फिर सुबह होते ही कहीं अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ भगवान रात को रास करते हैं, लीला करते हैं। कहते हैं मधुबन में राधिका नाती रहे और गिरधर की मरिया बाजी रहे। भगवान आते हैं, अरे ची तो भगवान की भूमि है, भगवान नहीं आएंगे तो दुनिया कहाँ से आएगी। केवल कहानी ही नहीं, इससे जुड़ी निशानी भी पेश की जाती है। दातून, लड्डू, पान और एक लोटा पानी जिसे रंग महल के अंदर 7 तालों में बंद करके रखा जाता है, लेकिन सुबह सब कुछ बदला रहता है। पट खोल के देखते हैं तो पूरा फूलों की सेज टेढ़ी मेढ़ी मिलती है, पूरा 16 सिंगार बिखरा हुआ पाता है, चूड़ी कंगन आदि वगैरह पूरा 16 सिंगार बिखरा हुआ पाता है। दोने के चारों लड्डू आधे मिलते हैं, दातिन चबी हुई मिलती है, पान चबा हुआ मिलता है, लोटे का जल फैला हुआ पाता है। दावा है कि ये सब कोई और नहीं श्री कृष्ण करते हैं, जो आज भी इस निधि वन में आते हैं और कलयुग में भी अपने होने का एहसास कराते हैं। किसने किया? अंदर 7 ताले थे, उसके बाद आपका भी लॉक था, सील था। सील तो नहीं तोड़ी जा सकती है, ताले की चाबी बनाई जा सकती है। बड़े बड़े वृंदावन में डॉक्टर रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिन्होंने वृंदावन में जाके ये प्रूव किया है कि निधि वन जी में सेवा कुंज में चमत्कार है। निधि वन के चमत्कार को दुनिया बहुत पहले से नमस्कार करती आ रही है, लेकिन आज हम कुछ और सोचकर इस धाम में आए थे। रहस्य की इस पहेली को सुलझाने के लिए निधि वन में इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो यहाँ की पड़ताल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। उससे पहले यहाँ के रहस्य को परत दर परत समझना था, जिसकी शुरुआत होती है यहाँ के पेड़ों से, जो विज्ञान के हर सिद्धांत को झूठा साबित करते हैं। इन अजीब आकार वाले पेड़ों को आज विज्ञान भले ही कोई नाम दे दे, लेकिन इनकी एक और पहेली सदियों से अनसुलझी पड़ी है। ये पेड़ नीचे की ओर क्यों बढ़ते हैं? सूखे तने के बावजूद पत्तियां हरी भरी कैसे रहती हैं? इन सवालों का जवाब विज्ञान अभी तलाश रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, जब सारे चमत्कार रात में ही होते हैं तो किसी को निधि वन के अंदर रात में रुकने की इजाजत क्यों नहीं? जब हमने इस सवाल का जवाब सुना तो हैरान रह गए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी आकांक्षा रहती है, इच्छा होती है कि हम कहीं क्वेरी है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं, जैसा आपने कहा हकीकत है कि नहीं, तो आधी हकीकत नहीं पूरी हकीकत है। इसके लिए वहां रुकते हैं वो लोग, और सुबह जब वो लोग मिलते हैं तो अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोश, एकदम बेहोश होते हैं, कुछ देख नहीं पा रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लोग पूछते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, और विद इन ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर कुछ कहे बिना मुस्कुराते मुस्कुराते वो प्राण छोड़ देते हैं। निधि वन से जुड़ी ये कहानी अब खौफ का रूप ले चुकी है, जिसका असर धाम के आसपास रहने वाले लोगों पर साफ दिखाई देता है।
जितने भी लोग हैं जो निधिवन के आसपास रहते हैं, जिनकी खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे निधिवन की तरफ खुलते हैं, वो शाम होते ही उन खिड़की दरवाजों को बंद कर लेते हैं। इनफैक्ट छतों पर कोई बच्चा नहीं आता, सन्नाटा हो जाता है। और बहुत सारी आबादी, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी आबादी ऐसी भी है जो घर छोड़कर चले गए। मान्यता यही है कि शाम होने के बाद वो इधर देखना नहीं चाहते गलती से भी, इसीलिए छत पर कोई नहीं आता और लोग घर छोड़ छोड़ कर भी जा रहे हैं ताकि कहीं भूल से भी उनकी नजर इधर ना पड़ जाए शाम होने के बाद। इसका खौफ केवल इंसानों में ही नहीं है, कहते हैं यहाँ रहने वाले जानवर भी शाम होते ही अपने आप निधि वन को छोड़कर दूर चले जाते हैं। रात्रि जब हो जाती है, रात्रि में 8:30 बजे निधि वन और पूरा मेन गेट, प्रवेश गेट, निकास द्वार, प्रवेश द्वार सब बंद हो जाता है। रात्रि में जितने मोर, बंदर, चिड़िया, पशु पक्षी, जीव जंतु सब यहाँ से कुदरती निकल जाती है, रात्रि में कोई टुकता नहीं। अब ऐसी कहानियां तो हर धाम में सुनने को मिलती है, लेकिन आज हर पौराणिक मान्यता की वैज्ञानिक पड़ताल होने वाली थी। इस बार हम हर दावे की जड़ तक जाएंगे, लेकिन हमारी आंखें उस समय फटी की फटी रह गईं जब दिन ढलते ही एक एक करके बंदर निधि वन से जाने लगे। आखिरी आरती के बाद धाम को 7 तालों में बंद कर दिया जाएगा, फिर सभी लोगों के साथ हमें भी धाम से बाहर जाना होगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों की आस्था को चोट भी न पहुंचे और हमारी पड़ताल भी अपने अंजाम तक पहुंच जाए। लोगों का अमूमन शक ये होता है कि निधिवन में जो ताले लगाए जाते हैं उनकी चाबी किसी और के पास होती है और कोई और आदमी रात में अंदर जा सकता है। इस शक को दूर करने का सीधा तरीका यह है कि मैं एक ताला खुद लगाऊं। आज से पहले ऐसा कभी निधिवन में नहीं हुआ कि किसी और का ताला चाबी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक दरवाजे पर मेरा ताला हो ताकि कोई भी अंदर मेरे बगैर ना जा सके। दूसरी चीज ये है कि हम प्रसाद लेने की कोशिश करेंगे, जो सुबह में प्रसाद दिखाया जाता है उसको लेने की कोशिश करेंगे और उसको किसी एक्सपर्ट से जांच करके ये देखेंगे कि आखिर वो प्रसाद किसने खाया है, किसने चबाया है। इन दोनों बातों के लिए मंदिर प्रशासन को मनाना मुश्किल था, फिर भी हमने एक कोशिश की। यहाँ पर जिस तरह से आप 7 ताले लगाते हैं, कितने? 7 ताले लगाते हैं, तो सातों के साथ इसी गेट पे लगते हैं? इसी गेट पे 2 गेट हैं, एक अंदर का एक बाहर वाला। हाँ, और दोनों पे 7 ताले लगाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा था आपसे कि अगर मुमकिन हो तो आज एक 8वां ताला हमारा लग जाए। लगवा देंगे आपका, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात में कोई आ जाता हो। तो मैं उस थ्योरी को डिस्प्रूव करना चाहता हूँ कि भाई ये देखिए, ये चाबी तो मेरे पास है, इसके बाद कुछ तो और कोई शक की गुंजाइश है नहीं। सुबह तो आपको समय पे आना पड़ेगा। सुबह बिल्कुल आ जाऊंगा मैं, 5 बजे। 5 बजे सुबह 5 बजे आरती में आ जाऊंगा, लेकिन एक चाबी आप ताला लगा के मुझे दे देंगे। ठीक है, चलिए। तो ये ताला मैं खरीद के लाया हूँ, मैं लेकर आया हूँ ताला, और इसकी चाबी भी मैं अपने पास रखूंगा। तो ये पहली बार हो रहा है यहाँ पर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। 7 ताले लगाते हैं, ये 8वां ताला लगेगा और इसकी चाबी मेरे पास रहेगी। हाथ कंगन को आरसी क्या की तर्ज पर मंदिर प्रशासन ने हमारी दोनों शर्तों को मान ली, लेकिन हम इतने से संतुष्ट नहीं थे। रंग महल के साथ इन पेड़ों का रहस्य सुलझाना था, इसके लिए हमने एक नया तरीका इजाद किया। ये जो पेड़ हैं यहाँ पर, उनके बारे में कहा जाता है कि रात में ये गोपियां बन जाते हैं और रास लीला करते हैं भगवान कृष्ण के साथ। अगर ये पेड़ इंसानी फॉर्म में आते हैं, इंसानी रूप में आते हैं, तो जाहिर है ये अपनी जगह छोड़ते होंगे, रासलीला करने के लिए रंग महल की तरफ जाते होंगे, तो ये सारे पेड़ अपनी जगह पे नहीं रहते होंगे। इसीलिए मैं तागल आया हूँ और कुछ पेड़ों को मैं एक दूसरे से बांध दूंगा। उससे होगा ये कि अगर पेड़ अपनी जगह से हिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर सब लोग मानते हैं, तो ये जो धागा है ये टूट जाएगा। तो शुरू करते हैं, पहले इस पेड़ को यहाँ से यहाँ तक बांधते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। हमने 8-10 पेड़ों को आपस में बांध दिया, लेकिन यहाँ पेड़ों के साथ छोटी छोटी झाड़ियां भी थी। तो अभी तक उस झुरमुट में जितने भी पेड़ थे उनको मैंने बांध दिया है, लेकिन ये जो नीचे है काफी पेड़ और ये जगह खुली हुई है और यहां पर मुझे लगता है कि बंदर शायद बिल्कुल नहीं आते होंगे,
तो मैं इन दो पौधों को आपस में बांध दे रहा हूं। देखिए बहुत ऊंचे नहीं है, लेकिन अगर जरा भी मूवमेंट होगा इनमें, क्योंकि ये पेड़ नहीं है तो यहाँ पे जाहिर है कोई बंधन नहीं लटकेगा। ये मैं लेके इसको बांध रहा हूं। क्या आज की रात भी श्री कृष्ण निधि वन में आएंगे? क्या ये पेड़ सखा बनकर अपने भगवान के साथ रास करेंगे? क्या ताला लगने के बावजूद आज भी रंग महल में रखा प्रसाद खाया हुआ मिलेगा? अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए निधि वन की पड़ताल आज एक नया मोड़ लेने वाली है। तो शयन आरती हो चुकी है और अब वो वक्त आ गया है जब मंदिर के गेट्स बंद होंगे। रोहित सारे गेट बंद कर रहे हैं। कितने ताले लगाते हैं रोहित? हमें 7 ताले। 7 ताले एक साथ लगते हैं यहाँ पर। पहले दरवाजे पर 3 ताले लगाए गए और दूसरे दरवाजे को भी 3 तालों से बंद किया गया। जैसे आपसे हमारी बात हुई थी, 1 ताला हमारा बाहर लगाएंगे मेन गेट पर। फिर हमने मंदिर में रुकने और कैमरे लगाने की इजाजत मांगी। रोहित जैसे बंद हो गया, ताले लगा दिया आपने, 1 ताला भी हम लगाएंगे अपना मेन गेट पे, जिसकी चाबी आप हमको देंगे, ठीक है? लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं जानता हूँ आपका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं अपना फर्ज पूरा करता हूँ कि यहाँ पे रुकने तो आप देंगे नहीं? नहीं। अच्छा, रुकने भी नहीं देंगे और कैमरा भी नहीं लगाने देंगे? वादे के मुताबिक धाम के मुख्य द्वार पर हमारा ताला लगा दिया गया। फाइनली वो वक्त आ गया है जब मेन गेट को भी बंद किया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। रोहित यहाँ पर है। रोहित इसको उधर से भी बंद कर दिया और गेट को यहाँ से भी बंद कर दिया। अंदर से बंद कर दिया, इधर से बाहर ताला लगा दिया। बाहर ताला लगा दिया तो सारे गेट्स बंद हो गए हैं निधि वन के। वो आप जानते ही हैं, हमेशा आपके सामने उस तरह से होता ही रहा और आप बहुत पहले से निधि वन की जानकारी सबको है। तो गेट्स बंद कर दिए गए हैं, अब कल सुबह तक इंतजार कीजिए, कल सुबह मिलेंगे। निधिवन के मुख्य दरवाजे पर लगे ताले की चाबी केवल हमारे पास थी और अंदर रोज की तरह अंधेरा और सन्नाटा पसर चुका था। निधिवन में पड़ताल को लेकर हमने जो भी कदम उठाया था वो बेहद जरूरी था। गेट पर हमारा ताला लगेगा तो रात में कोई इंसान अंदर नहीं जा पाएगा। पेड़ अगर अपने से हिलेंगे तो धागे टूटे हुए मिलेंगे। सुबह रंग महल का प्रसाद भी हमें मिल जाएगा। अगर वो प्रसाद खाए हुए और जूठे मिलते हैं तो हम उनकी जांच कराएंगे, यानी अपनी ओर से हम पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आज भी श्री कृष्ण के धाम में वो सब कुछ होगा जिसके सदियों से होने का दावा किया जा रहा है। इसका पता तो सुबह ही चलने वाला था। सुबह मंदिर पहुंचकर हम बाकी लोगों का इंतजार करने लगे ताकि सबके सामने दरवाजा खोला जा सके। मंदिर का मुख्य द्वार है, इसकी चाबी मेरे पास है। रात में ताला लगाया था, अब हम इसको खोल रहे हैं और अंदर एंट्री करेंगे मंदिर। रंग महल मंगला आरती के समय खुलेगा, उसमें अभी वक्त। फिर हम उन पेड़ों की तरफ बढ़े जिनमें हमने डोर बांध रखी थी। रात भर बारिश हुई है और इस वक्त आप हालत देखिए, कितना पानी भरा हुआ है और ऐसे में उस जगह को तलाशना बहुत मुश्किल हो रहा है जहां पर वो धागा हमने बांधा था। आइए, ओह आइए आइए आइए। और पहला धागा टूटा हुआ मिला। आपको ध्यान होगा कल शाम में मैंने लाल रंग का ये धागा इस पेड़ से उस पेड़ पे बांधा था और ये धागा यहां से इस पेड़ से मैंने बांधा था और ये इस पेड़ तक था। ये रहा, ये देखिए, ये पूरा धागा बंधा हुआ है इन दोनों पेड़ों के बीच में और इस वक्त ये टूटा हुआ है बीच से। ये देखिए, मैंने अभी पकड़ रखा है इसलिए आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है, इस पेड़ से लेकर उस पेड़ तक
और ये कुछ यही हाल झाड़ियों में बंधी डोर का भी था। मैं इसे थियोरेटिकली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं लेकिन मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब ये धागे बंधा हुआ था, क्यों टूटा, कैसे टूटा, रात में जब कोई आता नहीं है, जब कोई जानवर यहां से नहीं गुजरता है, जब हम खुद बार बार कह रहे थे कि यहां कोई नहीं रहता, तो ऐसे में ये कैसे दो हिस्सों में टूट गया, दो स्प्लिट एंड्स इसके बन गए, ये कहना मुश्किल है। केवल टूटी हुई डोर से निधिवन का चमत्कार साबित नहीं होता, हो सकता है ये सब तेज हवाओं ने किया हो। असली तस्वीर तो रंग महल के खुलने के बाद ही सामने आएगी। दरवाजा खुलते ही पुजारी चमत्कार की निशानियों को तलाशने लगे। उसके बाद जो दिखा उसने हमें हिलाकर रख दिया। देखो दोनों दातुन करी हुई। विश्वास नहीं होता, जो लड्डू 8 तालों के अंदर बंद था उसे किसी ने खाया। के अंदर दिख रहा कुछ भोग लगा हुआ। राधे राधे। पान चबाए हुए थे। ये देखो पान चबा हुआ। राधे राधे। लेकिन हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमने तो इसके लिए पहले से ही कुछ सोच रखा था। हमने रंग महल के प्रसाद को अपने पास रख लिया, जिसे अभी पड़ताल के कई दौर से गुजरना था। धाम में आज सुबह भी वही हुआ जो सालों से होता आ रहा है, लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि ये क्यों और कैसे हो रहा है, जिसके लिए हमने रंग महल के प्रसाद को अपने साथ रख लिया। हमने उस लड्डू की, उस दातून की, उस पान की वैज्ञानिक पड़ताल कराई। इतना ही नहीं, उस धाम के रहस्यमय पेड़ों के बारे में भी वैज्ञानिकों से पूछा। हमने एक तय समय पर बंदरों को निधिवन खाली करते हुए देखा था, उसको लेकर जंतु विज्ञान के जानकार के पास भी गए। इन सब का जो नतीजा आया वो हैरान कर देने वाला था। ये जानने के लिए हम सबसे पहले पहुँचे मथुरा के DFO के पास, यानी उस इलाके के सबसे बड़े वन अधिकारी, जिनके लिए उन पेड़ों से जुड़े हमारे पास कई सवाल। जो पौधे हैं वो बिल्कुल जमीन की तरफ झुके हुए हैं, मतलब ऊपर नहीं उठ रहे हैं। वो पीलू के पौधे हैं शायद, जो बिल्कुल जमीन की तरफ, सारी उसके जो ब्रांचेज हैं वो ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रही हैं। जो किंवदंती है कि भाई ये गोपियां हैं जो उस धरती को छूने की कोशिश कर रही हैं। वो वृक्ष का नेचर है। अच्छा, प्लांट का वो नेचर है। हाँ। जैसे पीलू है, पीलू थोड़ा नीचे को झुका रहता है। हाँ। उसमें पत्तियां थोड़ी लेदरी हो जाती हैं, थोड़ा भारी हो जाता है, तो उनका झुकाव नीचे की तरफ रहता है। निधि वन के बंदर भी किसी रहस्य से कम नहीं, जिसे सुलझाने के लिए हम एक पशु चिकित्सक के पास गए। हमारे पास एक ही सवाल था, शाम होते ही बंदर निधि वन से क्यों चले जाते हैं, वो वन के पेड़ों पर क्यों नहीं रुकते। जब वहां पर रात में पेड़ मौजूद है तो आराम करने के लिए वो उन पेड़ों पर क्यों नहीं रुकते। जी देखिए, पहली बात तो ये, अगर निधिवन को आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर बड़े पेड़ उपलब्ध नहीं है। अच्छा। वहाँ छोटे पेड़ उपलब्ध हैं। अब जब आप जानते हैं कि जो जो बंदर है वो हर्बीवोर है, वो ज्यादा प्रेफर करता है फूल पत्तियां, सब्जियां, ये सारी चीजें खाना, तो उस कंडीशन में वहां पर कोई ऐसी चीज उपलब्ध नहीं है जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रात के समय में वो ढूंढी जाए। तो इसे हम चमत्कार कहें या ना कहें। देखिए, मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि ये चमत्कार है कि नहीं, क्योंकि मैं साइंटिफिक पर्सन हूँ। बिना किसी प्रूफ के मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर साइंस के प्रोस्पेक्ट से देखें तो इट्स अ नॉर्मल हैबिट ऑफ मंकी। अब बारी थी उस प्रसाद और सामान की जो हमारे पास था। उन सब को लेकर हम एक डेंटिस्ट के पास पहुंचे। देखिए सर, ये दातुन जो आपने मुझे दिया है, इसको कोई ना कोई ह्यूमन के द्वारा चबाया गया। अच्छा, मतलब इंसानी दांत मौजूद है इसमें। मौजूद है। ये तो हो गई बात इसकी जी। मुझे बताइए, जैसे ये पान है, अब ये पान इसमें बहुत ज्यादा मिल गया है जी, लेकिन ये उनका कहना है कि ये भी इस्तेमाल, ये भी चबाया गया है, ये यूज किया गया है। देखिए, जैसे ये
क्या ये भी आपको लगता है कि काटा गया है? जो इसकी समय मॉर्फोलॉजी है वो ये शो कर रही है कि इस पान को भी दांतों के द्वारा कट किया गया है। ओ, मतलब पानों पे पान को भी दांत के द्वारा कट किया गया। 100% हम ये कह सकते हैं कि कोई ह्यूमन था। जबकि ऐसा होना संभव ही नहीं है। हमने गर्भगृह के चारों तरफ ध्यान से देखा था, मुख्य दरवाजे के अलावा कहीं से भी अंदर जाने का रास्ता नहीं था और दरवाजों पर 6 ताले लगे हुए थे। यहां तक कि धाम के मुख्य दरवाजे पर हमारा ताला लगा था। फिर ये हुआ कैसे? पुजारी के मुताबिक प्रसाद का भोग लगाने वाले भगवान हैं और विज्ञान के मुताबिक ये काम किसी इंसान का है। जबकि ये प्रसाद और सामान जहां रखा था वहां किसी इंसान का पहुंचना मुमकिन ही नहीं था, लेकिन आधुनिक युग की सोच इसे चमत्कार मानने से भी रोकती है। ऐसे में निधि वन को लेकर एक बड़ी वैज्ञानिक पड़ताल की जरूरत है ताकि उसके नतीजे पर वैज्ञानिक शोध किया जा सके, तभी इसकी हकीकत लोगों के सामने आ पाएगी। बंदर और पेड़ों को लेकर जो तर्क दिया गया था वो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन चबाए हुए दातून और पान को लेकर मिला जवाब समझ से परे था। पुजारी के मुताबिक प्रसाद वाला भोग लगाने वाले भगवान हैं और विज्ञान के मुताबिक ये काम किसी इंसान का है। ऐसे में निधि वन को लेकर एक बड़े वैज्ञानिक पड़ताल की जरूरत है ताकि उसके नतीजे पर वैज्ञानिक शोध किया जा सके। कुछ तो है में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही रहस्य और रोमांच की कहानी के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।